आमदार प्रणिती शिंदे यांचे आले आदेश आणि नगरसेवक तौफिक हत्तुरे, जुबेर कुरेशी, कलीम तिम्मापुरे लागले कामाला। सोलापूर शहर मध्य मतदार संघातील हॅट्रिक आमदार प्रणिती शिंदे यांच्या हस्ते काही महिन्यापूर्वी किडवाई चौक परिसरातील रस्ते कामाचा शुभारंभ करण्यात आले होते, परंतु मध्यंतरीच्या काळातच पंढरपूर पोटनिवडणूक व कोरोना सारखी महामारी आल्याने तेथील रस्ते कामाला स्थगिती मिळाले होते। सदर परिसरातील रस्त्याची अवस्था अतिशय दयनीय झाली होती, त्यामुळे तेथील नागरिकांना ये जाण्यासाठी खूप मोठी कसरत करावे लागत होते। त्यामुळे तेथील नागरिकांनी नगरसेवक तौफिक हत्तुरे, जुबेर कुरेशी, कलीम तिम्मापुरे यांना आमदार प्रणिती शिंदे यांनी रस्ता कामाचा उद्घाटन केला पण काम झालं नाही अशी खंत व्यक्त केली होती। त्यामुळे नगरसेवक तौफिक हत्तुरे यांनी आमदार प्रणिती शिंदे यांना संपर्क साधत तेथील रस्त्याबाबत त्यांना कल्पना दिले होते। अखेर आमदार प्रणिती शिंदे यांचे आदेश आले आणि नगरसेवक तौफिक हत्तुरे, जुबेर कुरेशी, कलीम तिम्मापुरे यांच्या हस्ते प्रभाग क्रमांक 14 किडवाई चौक ते जिंदा शाह मदार चौक व पद्मशाली चौकापर्यंतचा रस्त्याचा शुभारंभ श्रीफळ फोडून करण्यात आले। दरम्यान यावेळी उपस्थित प्रभाग क्रमांक 14 चे नगरसेवक तौफिक हत्तुरे, आमदार प्रणिती शिंदे यांचे कट्टर समर्थक जुबेर कुरेशी, सामाजिक कार्यकर्ते कलीम तिम्मापुरे, बी हुन्नाबादकर, अल्ताफ काजी, नुरानी मस्जिद ट्रस्टचे रफिक रामपुरे, जाकीर वड्डो, इसाक बडेपीर यांसह परिसरातील नागरिक उपस्थित होते। दरम्यान सदर रस्ते कामाचा शुभारंभ आमच्या हस्ते केल्यामुळे आमदार प्रणिती शिंदे यांचे नगरसेवक तौफिक हत्तुरे, आमदार प्रणिती शिंदे यांचे कट्टर समर्थक जुबेर बागवान, कलीम तिम्मापुरे यांसह परिसरातील नागरिकांनी आभार व्यक्त केले। क्रमांक 14 बाशापेठ सोशल हायस्कूल से लेकर जो जिंदा शाह मदार चौक वासी पद्मशाली चौक, यहाँ का जो है काम जो है ये निधि बहुत पहले तकरीबन जो है लॉकडाउन के पहले जो है आमदार प्रणितीताई शिंदे इनके निधि में से ये काम की जो है उद्घाटन पहले भी हुआ था, लेकिन कुछ वजह से जो है ग्रामीण के इलेक्शन लगे, उसके बाद में पंढरपुर का इलेक्शन हुआ, फिर लॉकडाउन चालू हुआ, लॉकडाउन की वजह से ये काम वक्त पे नहीं होते हुए आगे गया। तो आज यहाँ पर जो है हमारे शहर मध्य के आमदार कार्य सम्राट प्रणितीताई शिंदे इनके निधि में ये काम होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ अभी आज जो है जीसीपी रोलर सब हर चीज़ पूरा यहाँ मौजूद है, इंशाल्लाह जो है अभी से यानी जो है काम चालू होगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द ये काम होगा। और जिंदा शाह मदार चौक से माजी नगर सेवक अरुण शेख इनके घर से जो है वहाँ का जो डेनिश का पाइपलाइन का काम था वो भी काम मंजूर हुआ है। वो 9 इंच और 12 इंच ये दोनों पाइपलाइन निकाल कर वहाँ पर हेड ऑफिस से ये काम मंजूर हुआ है कॉरपोरेशन महानगर पालिका के तरफ से। ये कोई नगर सेवक की निधि नहीं है, ये डायरेक्ट जो है आयुक्त साहब के तरफ से मंजूर हुआ काम है। वो भी डेनिज लाइन का भी काम जो है इंशाल्लाह दो चार दिन में वो भी चालू हो जाएगा। अभी जो हमारे नगर सेवक हजी तौफिक हत्तुरे ने जो बोली है पर और ताई की निधि में से जो रोडों का काम चालू है और पाइपलाइन का जो काम जो महानगर पालिका की तरफ से है, हम तौफिक भाई हत्तुरे का, ताई का, मोहल्ले की तरफ से और आशिफ भाई परिवार का शुक्रिया अदा करते हैं जो जान तोड़ कर अपनी कोशिश से काम को अंजाम दिए। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे काम करेंगे, हम सब लोगों से उम्मीद रखते हैं। तो मैं मोहल्ले की तरफ से आपको सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आमदार से आज रोड का काम का उद्घाटन हुआ है तो अभी आते क्या? और नूरानी मस्जिद के ट्रस्ट अल्ताफ काजी इनके हाथों से ये रोड का उद्घाटन हुआ है।